खूनी मंडे में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों की कहानियां हमारी नई सीरीज में इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड। तो हमारे चैनल खूनी मंडे को जल्दी से सब्सक्राइब करो और देखो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड एपिसोड 1। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी थी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बॉटल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के एक दो चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छनछन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू, जल्दी चल यहां से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहां से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। राजस्थान का कुलधरा गांव इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहाँ कई लोगों के साथ ऐसे अजीब हादसे हुए हैं जिन्हें आसानी से बयां नहीं किया जा सकता। कुलधरा गांव 170 साल पहले अचानक एक दिन बंजर हो गया। जितने भी लोग यहाँ रहा करते थे वो सब ये जगह छोड़ के चले गए। कहते हैं इस गांव के ऊपर एक श्राप है और भटकती आत्माएं किसी भी इंसान को यहाँ टिकने नहीं देती। जब कुलधरा में भूत प्रेत के होने की बातें बहुत बढ़ने लगी
तब दिल्ली की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस गांव में जाके इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाने का सोचा। ग्यारह में चार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम दोपहर के समय कुलधरा पहुंची और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरू शुरू में उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या एनर्जी का कोई साइन नहीं मिला। उनका स्पेशल मीटर जो आसपास की शक्तियों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसने भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ा। पर जैसे जैसे शाम होने लगी, उन्हें कुलधरा के माहौल में भारीपन महसूस होने लगा। जब उनमें से एक टीम मेंबर अंशुमन गाड़ी में रखी पानी की बोतल लेने बाहर गया, तब उसने देखा कि उनकी गाड़ी पर किसी बच्चे के हाथ के निशान हैं। उसको ये बेहद अजीब लगा क्योंकि दूर दूर तक वहां कोई भी बच्चा नहीं था। इतने में टीम के बाकी मेंबर्स जो कुलधरा के खंडरों के अंदर थे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि औरतों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने जैसे ही अपना पैरानॉर्मल मीटर ऑन किया, वैसे ही उस मीटर ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ना शुरू कर दिया, जो औरतों के भरते कदमों की आवाज के साथ और तेज हो गए। बाहर गाड़ी से पानी की बोतल निकाल रहा अंशुमन गाड़ी के शीशे को देखकर एकदम डर गया। शीशे से उसे दिखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी वहां खड़ा उसे घूर रहा है। पर जब उसने गाड़ी के बाहर देखा तो वो बूढ़ा आदमी गायब था। और तभी उसे कुलधरा के खंडरों से अपने दोस्तों के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागा भागा अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त सही सलामत एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनका मीटर ये संकेत दे रहा था कि कुएं के अंदर किसी आत्मा का वास है। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर टॉर्च मारी, वहां से चमगादड़ों का एक झुंड निकला जिससे वो सब बहुत डर गए। अंशुमन ने हिम्मत करके उस कुएं में वापस झांका तो उसको वहां से अजीब सी आवाजें आईं। वापस चले जाओ, चले जाओ वापस, चले वापस, चले जाओ वापस, वापस चले जाओ वापस, वापस चले जाओ, चले चले जाओ। और फिर एक बार पीछे से औरतों के उनकी तरफ भरने की आवाजें वापस आने लगी। इतने में अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ अंशुमन की तरफ बढ़ा, वो उसको कुएं के अंदर खींचने लगा। अंशुमन ने जैसे ही नीचे देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसको वही डरावना बूढ़ा आदमी दिखा और अंशुमन बेहोश हो गया। उसके बाकी दोस्तों ने उसे वहां से निकाला और कुलधरा से वापस जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी वो उस रात वहां से निकल तो जरूर गए, लेकिन कुलधरा में जो भी उन्होंने महसूस किया उससे उन्हें यकीन हो गया कि कुलधरा हॉन्टेड है और वहां आत्माएं भटकती हैं। अंशुमन की तबीयत उस हादसे के बाद काफी महीनों तक खराब रही और कई सालों तक वो बूढ़ा आदमी उसके सपनों में आता रहा। 1 जनवरी 2003 की सुबह रितेश और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। साल 2002 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमास बीच जाने का प्लान बनाया। 31 की शाम को वो अपने दो और दोस्तों को लेकर डूमास बीच के पास एक रिजॉर्ट पर पहुंचे, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। रिजॉर्ट के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर लिया था। खूब जोरों शोरों से रिजॉर्ट में पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डूमास बीच की ओर चले। रिजॉर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोक के बताया कि डूमास बीच हॉन्टेड है और वहां रात में आत्माएं भटकती हैं और उनको वहां जाने से मना किया, पर उन तीनों ने उस वेटर की बात नहीं सुनी और डूमास बीच चले गए। तीनों डूमास बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में के ग्लास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डूमास बीच एकदम सुनसान थी और इन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रितेश के दोस्त रवि को वहां दूर कोई खड़ा दिखा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक प्रोजेक्शन। रवि ने जब ये बात
अपने दोनों दोस्तों को बताई तो उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, पर रवि काफी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था। देखते देखते अचानक वो उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। रवि को एकदम से काफी अनीजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया पर रवि की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिजॉर्ट जाने का सोचा पर रवि चलने की हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को रिजॉर्ट से पानी, दवाइयां और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहां से गया वैसे ही रितेश को किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा तो समुद्र के किनारे पर बैठी एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने बढ़ा। जैसे ही रितेश ने रवि को खींचा, रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में रितेश को देखा जिससे रितेश बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने में पुनीत भी रिजॉर्ट के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सब को देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिजॉर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया पर फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रह के वो ठीक तो हो गया लेकिन उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ याद नहीं। पर रितेश और पुनीत इस हादसे को कभी नहीं भूल पाए। इंडिया की कैपिटल दिल्ली में इतिहास के कई राज छुपे हैं। उन्हीं में से एक है अग्रसेन की बावली। 103 सीढ़ी गहरा इंडिया का सबसे मशहूर कुआं, जहां कई सालों पहले पानी को स्टोर किया जाता था, पर अब ये जगह सूखी पड़ गई है और चमगादड़ों और कबूतरों का घर बन चुकी है। आमिर खान की फिल्म पीके की शूट के बाद ये जगह काफी पॉपुलर हो गई और काफी टूरिस्ट बावली देखने जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अग्रसेन की बावली को हॉन्टेड मानते हैं और यहाँ जाने की सलाह किसी को नहीं देते। उन्हीं में से एक है आकाश, जो एक बॉलीवुड फिल्म की प्रोडक्शन संभाल रहा था और शूट से पहले ये जगह देखने आया था। क्योंकि 6 बजे ये जगह पब्लिक के लिए बंद हो जाती है, आकाश दिल्ली अथॉरिटीज की स्पेशल परमिशन लेकर 2003 की एक रात अपने एक कैमरामैन के साथ इस जगह का मुआयना करने यहाँ आया। अग्रसेन की बावली में एक अजीब सी शांति थी और दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई चमगादड़ों की आवाज इस जगह को और डरावना बना रही थी। बावली के निचले हिस्से में बहुत अंधेरा था, पर आकाश ने कैमरामैन को बोला कि शूट के लिए जरूरी है कि हर एंगल से उस बावली की फोटो ली जाए, और इसीलिए उन दोनों ने बावली में और नीचे जाने का सोचा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी और बाहर की सारी आवाजें धीमी होती जा रही थीं। उनको बस उनके चलने की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक आकाश को लगा कि बावली के अंदर के झरोके से कोई एक साइड से दूसरी साइड भागा। उसे एक सेकंड के लिए ये अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और वो अपने कैमरामैन को बिना कुछ बोले और नीचे उतरने लगा। एकदम नीचे पहुंचकर जब कैमरामैन बावली की अलग अलग फोटोज ले रहा था, तब अचानक एक फोटो खींचने पे उसे ऐसा लगा कि कोई भूतनी उसके सामने खड़ी है। उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया और टूट गया। जब कैमरामैन ने आकाश को ये बात बताई तब आकाश थोड़ा घबरा गया। उसे लगने लगा कि बावली में अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, पर क्योंकि कैमरा टूट गया था तो उसने फोन में एक आध फोटोज लेकर वहां से जल्दी से निकलने का तय किया। जैसे ही उसने फोन का कैमरा ऑन किया, उसने कैमरे में एक चुड़ैल को देखा जो सीढ़ियों से अपने हाथों के बल उतर रही थी। ये देखकर वो सुन पड़ गया
कैमरामैन ने जब देखा कि आकाश का चेहरा पीला पड़ रहा है, वो तुरंत आकाश को लेके अग्रसेन की बावली से निकल गया। पूरी रात वो दोनों डर के मारे नहीं सोए। जब उन्होंने कैमरा ठीक कराया और उसके अंदर की फोटोज देखी तो उन सारी फोटोज पर कुछ धुंधली सी परछाई थी। जब ये बात आकाश ने अपने प्रोडक्शन हेड को बताई तब उसने आकाश की बात नहीं मानी और अपने दूसरे असिस्टेंट को फोटोज लाने भेज दिया, जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पूर्णिमा की रात कभी नहीं जाना चाहिए। यह जगह है पुणे का 300 साल पुराना शनिवारवाड़ा फोर्ट, जो लोगों की माने तो दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये 13 मंजिला फोर्ट 1730 में खुद मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। अपने पहले ही साल में बाजीराव को अपनी पत्नी काशीबाई और बेटे नाना साहिब से धोखा मिला और वो अपनी प्रेमिका मस्तानी से भी जुदा हो गए, जिसकी वजह से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक शनिवारवाड़ा ने सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया और 1828 में एक भयानक आग की वजह से ये फोर्ट लगभग जल के राख हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी। लोग कहते हैं ये जगह शापित है और यहाँ बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है। जो इस फोर्ट में किसी को रहने नहीं दिया। नारायण राव के आखिरी शब्द भी आज तक इस जगह पर गूंजते हैं और लोगों को सुनाई देते हैं। पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहिब की 3 संतानें थी, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। नाना साहेब की मौत के बाद विश्वास राव को पेशवा बनाया गया, जिससे नाना साहेब का छोटा भाई रघुनाथ राव उर्फ रघोबा बेहद चिढ़ गए। विश्वास राव पानीपत की 3री लड़ाई में मारा गया और उसके छोटे भाई माधव राव ने अपने आप को जिम्मेदार मानकर अपना दम तोड़ दिया। नारायण राव जो अभी सिर्फ 17 साल का था, उसे नया पेशवा घोषित कर दिया गया, जिससे उसके चाचा रघोबा की चिढ़ नफरत में बदल गई और वो अब किसी भी कीमत पर सिंहासन को हासिल करना चाहता था। नारायण राव को इस नफरत का अंदाजा हुआ तो उसने अपने चाचा को घर में नजरबंद करा दिया, पर रघोबा की पत्नी आनंदी बाई ने इसका बदला लेने का तय किया और गणपति विसर्जन की आखिरी रात गर्दी शिकारियों की मदद से उस पर हमला कराया। नारायण राव जब फोर्ट में हो रहे शोर से उठा तो उसने देखा कि गर्दी शिकारी उसके कमरे में घुस चुके हैं। वो मदद के लिए अपने चाचा की ओर भागा। लेकिन उन शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ, वो आखिरी सांस तक चिल्लाता रहा पर कोई नहीं आया। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को टुकड़ों में काट के नदी में फेंक दिया गया। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वो आज भी शनिवारवाड़ा फोर्ट में भटकती है और इसीलिए वहां रात में जाना सख्त मना है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है, जिसका नाम है डाउ हिल। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दिन के उजाले में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में उतना भयानक भी हो जाता है। वहाँ का मशहूर विक्टोरियाज बॉय स्कूल कई प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है। कहते हैं कि विंटर वेकेशंस में जब स्कूल 3 महीनों के लिए बंद रहता है, तब वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने कई अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। एक बार विक्टोरिया स्कूल में 10th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट शाम को स्कूल की लाइब्रेरी में बुक रिटर्न करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी और उसे लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, फरहान, फरहान। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूरा स्कूल कॉरिडोर खाली था। उसकी नजर उस कॉरिडोर के एक तरफ पड़ी जहाँ उसे काले लिबास में खड़ा कोई लड़का दिखा जो शायद वहां छुपा हुआ था।
उसे लगा कि उसके स्कूल के दोस्त उसे जानबूझ के डरा रहे हैं, तो वो गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो लड़का स्कूल के पास वाले जंगल में भाग गया। फरहान भी उसके पीछे पीछे उस जंगल में चला गया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो गया था। फरहान जंगल में काफी अंदर तक आ गया था, तभी अचानक से किसी ने फरहान के कंधे पर हाथ रखा, जिससे फरहान बुरी तरह डर गया। फरहान ने जब देखा तो वहाँ एक लकड़ी काटने वाला मजदूर खड़ा था, जिसने फरहान को सलाह दी कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और इतनी रात में उसे वहाँ नहीं घूमना चाहिए। फरहान इस बात से घबरा गया और स्कूल की तरफ वापस जाने लगा। जाते जाते उसे फिर वो लड़का दिखा। फरहान ने सोचा कि अब वो उस लड़के को नहीं छोड़ेगा। उसने एक झटके में अपना बैग उस लड़के के सर पर दे मारा, लेकिन उस लड़के पर हल्का सा भी असर नहीं हुआ। वो लड़का जब गुस्से में फरहान की तरफ मुड़ा, तब फरहान के पसीने छूट गए। उस लड़के का सर कटा हुआ था, ये देखकर फरहान स्कूल की तरफ भागा। वो सर कटा लड़का भी उसके पीछे पीछे आने लगा। फरहान बुरी तरह डर गया था और जैसे तैसे वो अपने स्कूल पहुंचा और उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी एक बार फिर उसे अपना नाम सुनाई दिया, देर रात स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बेहोशी की हालत में स्कूल कॉरिडोर में पाया। जब उसे होश आया तो उसने उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। फरहान तो बच गया, पर कहते हैं कि वो सर कटा लड़का डाउ हिल के पहाड़ी जंगलों में आज भी घूमता है और कई लकड़ी काटने वाले मजदूर उसे देखकर अपना दिमागी संतुलन भी खो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।